नमस्ते, यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं वोल्टेज ओएस के बारे में। लेटेस्ट ऑफिशियल बिल्ड जो है अवेलेबल हो गया है Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए वोल्टेज ओएस 2.5 का जो बिल्ड है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इंस्टॉलेशन के साथ साथ क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर वोल्टेज ओएस 2.5 का जो ऑफिशियल बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। एंड्रॉयड 13 के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर लेटेस्ट 5th of May 2023 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है 4.14 कर्नेल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। एंड एज बिल्ड है दोस्तों इन्फोसिंग वाला बिल्ड है। अगर बात करें यहाँ पर जो है फीचर्स के बारे में, नया फीचर्स के बारे में, सबसे पहले इस एज बिल्ड है दोस्तों वैनिला बिल्ड है, मतलब इस बिल्ड के साथ जो है बाई डिफॉल्ट जो है जी एप्स देने को नहीं मिलेगा, बाई डिफॉल्ट प्ले स्टोर देने को नहीं मिलेगा, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश करना होगा। नेक्स्ट, इस अपडेट के साथ जो है लेटेस्ट मई का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर MIUI का जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, प्लस यहाँ पर HDR का ऑप्शन, यहाँ पर AI कैमरा का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर सुपर मैक्रो जूम, यहाँ पर सुपर मैक्रो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, पर 4K 30fps का ऑप्शन है, प्लस प्रोमोट का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, पर वाइड बैलेंस फोकस शटर ISO, प्लस यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड नाइट मोड का ऑप्शन है, एंड 64 मेगापिक्सल शॉर्ट वीडियो पैनोरामा स्लो मोशन टाइम लैप्स डुअल वीडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर MIUI का जो कैमरा एप्लीकेशन काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ जो है MIUI का जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, पर डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा कुछ इस तरह से Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ जो है OnePlus का जो डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। इस तरह से यूजर इंटरफेस है काफी बढ़िया है, प्लस पर जो HDR मोड है उसे फिक्स किया गया है, यानी पर जो वॉल्टी है उसे भी फिक्स किया गया है। फिलहाल कॉल के दौरान जो है वॉल्टी कॉलिंग जो है काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर जो लैग है उसे भी फिक्स किया गया है, काफी कम लैग देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के साथ जो लैग था उसे फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम का जो अलग से जो है ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरह से जो है क्विक सेटिंग्स पैनल का जो UI है देने को मिलेगा। यहाँ पर डेटा यूजेस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मोबाइल डेटा वॉल्टी सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर सके। इस रॉम के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, यहाँ पर जो है ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है पर वाइल्ड लाइफ के साथ 1148 का स्कोर है। Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ जो है 1148 का जो है स्कोर देने को मिल गया है। Geekbench 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 481, मल्टी कोर के साथ जो है 1386 का स्कोर है Geekbench 5.5.1 के साथ Android 13 के साथ। एंड यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफनेट जो है पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर लगभग 5 मिनट के लिए जो यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने रन किया था, मैक्स गया है 148, एवरेज है 133, मिनिमम है 125। यहाँ पर जो है 86% का जो CPU थ्रॉटल देने को मिल जाएगा, मैक्स CPU गया है 2.30 GHz तक। तो यहाँ पर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वोल्टेज ओएस के साथ जो है काफी बढ़िया है। अगर बात करें पर कैमरा टू API के बारे में, कैमरा टू API के साथ जो लेवल 3 का सपोर्ट यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम यहाँ पर काम कर जाएगा। रिसेंटली हमने यहाँ पर गूगल कैमरा 8.8 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर डेडिकेटेड जो गेमिंग मोड है उसे भी ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 6 से 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा 120Hz के साथ। एंड यहाँ पर 60Hz के साथ जो है 7 से 8 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है वो काफ़ी कम है, तो आपके यहाँ पर जो है काफ़ी कम
आइडियल बैटरी ड्रेन देने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है बढ़िया है, एंड ऑफकोर्स बैटरी बैकअप जो है यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, आप कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पर जो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट प्लस ऐप लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस तरह से जो आप फिंगरप्रिंट के साथ जो है ऐप लॉक यूज कर सकते हो। एंड अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। अगर बात करें पर रैपिड एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, प्लस फेस अनलॉक का ऑप्शन है, देखते किस तरह से पर फेस अनलॉक काम करता है। एंड यहाँ पर फेस अनलॉक को तो ऐड किया गया है, देखिए पर यहाँ पर हमने जो है फेस अनलॉक को जो सिलेक्ट किया है, एंड यहाँ पर हमने फेस अनलॉक को जो है ऐड किया है, देख सकते हो यहाँ पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट एंड ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एनीवे अगर बात करें पर कस्टमाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन है, थीम्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो इस तरह से पर जो मोनेंट थीम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, पर बटन्स का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है सर्च बार के साथ जो डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट बैटरी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, डेटा डिजेबल आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पर 4G आइकन को ऐड किया गया है, माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर का जो ऑप्शन है, प्लस सर्च बार आइटम्स का ऑप्शन है, पर सर्च बार के ऊपर जो कौन कौन सी आइकन को शो करना चाहते हो आप यहाँ सेलेक्ट कर पाओगे। क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है पर ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल को लॉक स्क्रीन से हाइड कर सकते हो, प्लस डेटा यूजेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर थीम्स के साथ ऐसे भी ऑप्शन है, प्लस बटन्स के साथ जो है पर ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार का ऑप्शन है, वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, वॉल्यूम पैनल के साथ जो गाना को स्किप कर पाओगे, प्लस ये जो ऑप्शन, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो है वॉल्यूम बटन को प्रेस करके डिवाइस को वेकअप भी कर पाओगे। लॉक स्क्रीन ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, लॉक स्क्रीन इनर वाइब्रेशन, रैपिड एनिमेशन, प्लस लॉक स्क्रीन के साथ जो वेदर को ऐड कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, प्लस लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, रैपिड एनिमेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है, हाइट सर्च बार का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर मेनू से रिकवरी बूटलोडर को जो है बूट कर पाओगे, इसमें ऐड किया गया है, एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है वोल्टेज इसका काफ़ी बढ़िया है, एंड यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफ़ी स्मूथ है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है यहाँ पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, चार्जिंग साउंड, चार्जिंग वाइब्रेशन को डिसेबल कर सकते हो, या पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, या पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, प्लस नोटिफिकेशन वॉल्यूम को जो है एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, या पर लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, प्लस या पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड इस तरह से पर जो डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस नाइट लाइट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड या पर जो डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जो प्राइवेसी लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर जो है 60Hz 120Hz का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो डीसी डिबिंग का ऑप्शन है, थर्मल बोहल का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। नंबर बात कर लेते किस तरह से पर जो है वोल्टेज है इसको इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, प्लस आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पर TWRP रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और पीच ब्लैक रिकवरी के साथ जो इस रोम को फ्लैश कर सकते हो। वोल्टेज है इसका जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर जो है कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं। यहाँ पर हम जो है पिच ब्लैक रिकवरी यूज करने वाले हैं, TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद वाइप में जाके, एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे, ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके, उसके बाद फिर से बैक आके यहाँ पर जो है इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने इस रोम को डाउनलोड किया है उस
फोल्डर में जाना होगा, उसके बाद जो सिंपली रॉम को सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली इंस्टॉल में जाके रॉम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। रॉम फ्लैशर में लगभग जो पर 5 मिनट के आसपास टाइम लगता है। विदिन 5 मिनट एज रॉम में आपके डिवाइस को फ्लैश हो जाएगा। रॉम फ्लैश होने के बाद आप अगर आप चाहो तो जेप्स को फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि एजेबल्ड है, वैनलेबल्ड है। उसके बाद जो है आपको सिंपली अपन रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। कोई इस तरह से आप जो है वोल्टेज है इसको इंस्टॉल कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।